कोई बच्चा आईएम में जा चुका है, ठीक है, तो क्या उनको प्रॉपर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है? प्लेसमेंट इज आईएम्स के जो होते हैं वही होते हैं, जो उसमें लिखा होता है वही होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि लास्ट 50 डेज में वो एक कैट को क्रैक कर सके? लास्ट 50 डेज पे वही आते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर काफी पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं। सी, सारे आईएम्स में वन थिंग इज कॉमन कि केस बेस्ड स्टडी होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बुक दिया गया और आप सीधा, जैसे कि मार्केटिंग के मैट्रिक्स हैं तो आप बस उसे रट रहे हो। आखिर कैसे आप लास्ट 50 डेज के अंदर कैट क्रैक कर सकते हो, और अगर आपको कैट में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको क्या करना चाहिए, और क्या आर्ट्स स्टूडेंट एमबीए कर सकते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आईएम के अंदर स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, और क्या है आईएम की प्लेसमेंट रियलिटी? तो अगर आपके भी यही सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात किया है आईएम रोहतक के स्टूडेंट से और उनसे पूछा है रिगार्डिंग कैट प्रिपरेशन, आईएम प्लेसमेंट रियलिटी और साथ ही साथ कैंपस लाइफ के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आगे बढ़ने से पहले आप एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Don't have the commerce background, but I have done my graduation in BA honors political science, and it's been 3 months in IIM Rohtak. Okay, so अभी जो main question बच्चों का आता है ना कि अभी उनके पास 50 days बचे CAT exam के अंदर, and वो अभी doubt में रहते हैं कि उन्हें इस last 50 days के अंदर क्या करना चाहिए, and आपने अपने time पे last 50 days में क्या किया था ऐसा कि आप आज एक IIM में पहुंचे? क्या होता है कि आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हो 6 months बिफोर, तो ये जो 50 डेज होता है बहुत ही क्रूशल होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए। मेरे साथ भी यही सेम चीज था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। आप कैसे कैट के लिए मतलब पढ़ लेते हो सारा, फिर होता है कि कैसे हमें मॉक अपेयर करना है, मॉक में नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज वाला फेज होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपने जितने पढ़ रखे हैं पहले से, आप उसको रिवाइज करो, आप टॉपिक वाइज उठाओ, आप पहले सेक्शनल जो कट ऑफ, सेक्शनल जो मॉक्स होते हैं उसको दो टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद देखो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, मॉडरेट वगैरह, जो भी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट होते हैं, जहां भी लैक कर रहे हो आप उसे पॉइंट बनाओ एक अलग नोटबुक में, और सबको नोट डाउन करो कि आप किस मॉक में कहाँ मिस कर रहे हो, चाहे वो DILR हो, फॉन्ट हो, एज वेल एज VARC हो, 3 sections आर इम्पॉर्टेंट इक्वल, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, और फिर उसके अपने वीक पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि अच्छा ये सेक्शन है। आप आफ्टर मॉक आप क्या करो, 2 घंटे का रेस्ट लो, और उसके बाद 5 से 6 घंटा एटलीस्ट दो उस पे, और फिर जंप कर जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो अभी क्या है कि ये आपने लास्ट 50 डेज का बता दिया, बट कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सोच रहे कि वो फॉर्म तो उन्होंने फिल कर दिया कैट का, बट अभी वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इन लास्ट 50 डेज में वो एक कैट को क्रैक कर सके एंड एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सके इन लास्ट 50 डेज के अंदर? लास्ट 50 डेज पे वही आते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर काफी भी अच्छे, जिनकी अच्छी लाइक पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं, इस तरीके के बच्चे आते हैं। कॉमर्स के भी आते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे आते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरा मैथ्स काफी अच्छा है तो चलो इस बहाने मेरा DILR क्रैक हो जाएगा। तो उसके लिए भी है स्ट्रैटेजी। आप जैसे नॉर्मल बच्चे जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है कि आप 5 से 6 घंटे एनफ है स्टडी, बट जो 50 डेज के लिए आ रहे हैं उनको 10 to 12 hours डिवोट करना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, आप एक बार गो थ्रू करो 5 years questions को, past 5 year questions को, और उसके बाद देखो कि क्या डिफिकल्टी लेवल है। आप इजी और मॉडरेट को भी टारगेट कर सकते हो, आराम से आपके क्वांट में 95% आ जाएंगे। DILR की बात रही तो उसमें आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर आप क्वांट के बेसिक्स को देखते हो, परसेंटेज एंड ऑल जो अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आपके DILR के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप कुछ टॉपिक्स लो और उसकी प्रैक्टिस करो डे बाय डे, और मॉक पे जंप करो। जितना ज्यादा मॉक दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी चीजें। VARC के लिए अगर हम देखें तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, मिंट को देखो, एओन एसेज देखो, बहुत सारे ऐसे हैं फॉरेन वो न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब देखो ताकि आपका वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग रहे। ओके, तो अभी आपने मॉक्स की बात करी है, तो मॉक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि अभी क्या करना चाहिए, उन्हें कितने मॉक्स देने चाहिए, क्या उन्हें लास्ट 1 month में मॉक्स नहीं देने चाहिए, या किसी बच्चे ने अभी मॉक्स दिए हैं
तो क्या रहना चाहिए कि कैसे उनको एनालाइज करना है मॉक्स को, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मॉक्स को लेकर के? यार एज पर माय एक्सपीरियंस एज वेल एज माय फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, तो हमें ऐसा लगता है कि जो अगस्त और सितंबर जो होता है या अक्टूबर जो होता है, आप 15 अगस्त के बाद आप रेगुलर मॉक देना स्टार्ट करो. आप पहले वीकली मॉक स्टार्ट कर दो, वीक में एक दिया या दो दिया इस तरीके से. फिर जब आप सितंबर पे पहुंचते हो तो आप क्या करो कि वीक में दो से तीन देना स्टार्ट करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको जितना करना था प्रिपरेशन आपकी हो रखी है एक्चुअली. तो आप इस तरीके से दो और फिर आप एनालाइज करो कि अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा मॉक में पहले कम आ रहा है, अगली बार ज्यादा आ रहा है, फिर कम हो जा रहा है, आप स्टॉप करो. वीक में आप दो ही मॉक दो और एकदम माइंड को काम रखो. आपकी प्रिपरेशन हो रखी है तो आप काम रहो, मूवीज देख लो दोस्तों के साथ, क्या कहते हैं मूवी नाइट पे चले जाओ या फिर क्या कहते हैं खेलो, कुछ भी कर लो. आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखो उस टाइम पे, ठीक है. बट मॉक बहुत ही बोलते हैं ना किसी चीज का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, वो चीज है तो आपको देना ही पड़ेगा. लेकिन जब हम नवंबर पे आ जाते हैं तो नवंबर में क्या होता है कि आपको वीक में तीन या चार मॉक नहीं देने होते हैं, आप वीक में दो मॉक दे दो और जैसे एग्जाम से दस दिन पहले आप मतलब छोड़ दो इस तरीके से. आप रिवाइज करो चीजों को बट स्ट्रेस होएगा आपको उससे, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है. तो 10 दिन पहले से थोड़ा चिल रहने की कोशिश करो कि हाँ अभी हो गया है मेरा सब. So, अगला क्वेश्चन आपके IIM लाइफ के ऊपर है, ठीक है. आपने DU से कराया अपना जो ग्रेजुएशन था, ठीक है. तो आपको क्या डिफरेंस बिल्कुल क्या डिफरेंस लगता है कि DU में और एक IIM में, ठीक है, बिकॉज अभी आपको 3 महीने हो गए, तो क्या ऐसा डिफरेंट मेजर डिफरेंट लगा आपको? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. DU में जैसे चिल लाइफ होते थे, लाइक दोस्तों के साथ घूमना फिरना, क्लास बंक कर लेना, यहाँ वैसा नहीं होता. IIMs में अटेंडेंस 100% मैंडेटरी होता है, आप लीव ले सकते हो, बट बहुत ही क्रूशियल फेज जब होता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो उस टाइम पे आप ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप बहाना बना के आपने ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे आप चिल आउट उतने नहीं कर सकते. फर्स्ट जो फेज होता है टर्म वन टर्म टू का, फर्स्ट 6 मंथ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेस होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज होता है उस टाइम पे. आप ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो, स्लीपलेस नाइट होता है, आप सो नहीं पाते हो, 18 से 20 घंटे आपके मतलब आप जगते हो, तो वो सारी चीजें होती, वो DU में नहीं था. ओके सो अगली चीज इसको लेकर के कि मतलब अभी कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन में है, ठीक है, जैसे आपने कब डिसाइड किया कि ठीक है मुझे कैट का एग्जाम देना है एंड MBA आपको एक करियर ऑप्शन की तरह देखना है, तो ये कब आपके दिमाग में आया, कब डिसाइड किया फिर ये आपने? सिंस आई बिलोंग टू द बिजनेस फैमिली, सो मेरा हमेशा से बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन था, तो उस टाइम से ही था. बट मैंने जब आर्ट लिया था तो कॉलेज के थर्ड कोरोना आया, सिंस कोरोना आया तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ही मतलब एक परफेक्ट एज था मेरे लिए कि मुझे सोचना है अपने करियर के बारे में. तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मैंने थिंक करा था, तो फिर मुझे लगा कि चलो लास्ट ईयर में मैं अप्लाई कर दूँ, मैं कैट दूंगी. तो मैंने थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन मैंने कैट दी, बट उस टाइम पे मुझे पता चल गया कि हाँ मैं दे सकती हूँ. फिर मैंने प्रेप करा और फिर मैंने दिया. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जोन के ही बच्चे देंगे, बीकॉम वाले ही देंगे या बीबीए वाले ही देंगे या फिर इंजीनियर्स ही दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है. This is open to all. हाँ, इसी को लेकर माइंडसेट को लेकर होता है कि मतलब ज्यादातर देखा गया है कि मतलब जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो ठीक है वो MBA करते हैं, बट कई बार इंजीनियर के जो बच्चे होते हैं वो करते ही करते हैं, ठीक है. बट जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि क्या उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, क्या वहाँ पे उन्हें मैथ ज्यादा पढ़नी पड़ेगी प्रिपरेशन के दौरान, और क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मेन रहता है उनका, ठीक है. तो इसको लेकर क्या है कि मतलब क्या इतनी ज्यादा हार्ड मैथ होती है कि वो बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर सकता, या फिर वो कुछ महीनों की प्रिपरेशन के बाद कर सकता है, कुछ ऐसा होता है वहाँ पे? एक्चुअली मैथ्स जो हम वहाँ करते हैं और यहाँ के मैथ्स में टोटली बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, वो मैथ्स नहीं है यहाँ पे. बट जिनका माइंड सेट ही क्वांटिटेटिव है वो इंसान कर सकता है, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड से हो या BSc हो या फिर BCom हो, BBA हो, इंजीनियर्स हो, ठीक है. अगर आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी है, आप हर चीज को एनालाइज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली जाओ MBA के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. क्योंकि IIMs में केस बेस्ड पेडागॉजी है, तो यहाँ पे आपको केस से ही आपको हर चीज करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख सको, आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच सको. ओके सो अभी ये
ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा, वो बच्चों ने बहुत ज्यादा पूछा है कि अभी जो 2025 वाले कैट का एस्पिरेंट है, ठीक है, अभी वो कॉलेज में, कोई सेकंड ईयर में या कोई थर्ड ईयर के अंदर है, तो वो सोच रहे हैं कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अभी उनके पास एक साल का टाइम है उनके पास, तो क्या रहना चाहिए उनके लिए स्ट्रेटेजी? ठीक है, अभी आपने 50 डेज का बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, बट वन ईयर के लिए क्या ऐसा प्लान रहना चाहिए जिससे वो एक अच्छे प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वो अपना कैट फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सके, तो ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें, अपने एक्सपीरियंस से एक बार बताइए। आप अगर उनके पास वन ईयर ऑफ टाइम है तो वो कर सकते हैं कि पहले जो बेसिक्स चीजें हैं एकदम धीरे धीरे जाना है उनको, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत, क्योंकि कैट एक इजी एग्जाम तो है नहीं, नेशनल लेवल एग्जाम है, तो आप धीरे धीरे प्रोसीड करो, अपने माइंडसेट को उसमें मोल्ड करो कि हाँ मुझे मतलब करना है, क्योंकि अगर आप पहले ही, अगर वो बच्चे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चिल्ड रहते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो वो उनका माइंडसेट अभी चिल्ड है कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है, अभी वो उस जोन में प्रॉपरली नहीं है, तो एकदम से नहीं करना है उनको कि हाँ 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने लगे, आराम से 2-3 घंटे एक स्ट्रैटजी बिल्डअप करो कि हाँ आज मैंने 2 घंटे क्वांट ही करने हैं, अर्थमैटिक का पर्टिकुलर सेक्शन करना है, DILR में पाई चार्ट ही करने हैं, तो इस तरीके से बनाओ। VRC के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर उनके पास एक साल का टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है अभी उनके पास, और आप उसे यूटिलाइज करो, आप न्यूज़पेपर पर डे रीड करो, आप बाकी चीजें, बाकी फॉरेन न्यूज देखो, फॉरेन चैनल्स देखो, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, आप उससे न्यूज देखो ताकि आपकी माइंडसेट जो है उस डायरेक्शन में आए और आप सोच सको कि आखिर चल क्या रहा है, ताकि आपके VARC में बहुत ज्यादा इजिली आप उसको टैकल कर सकते हो, वरना VARC बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप पर 1 आवर एवरी डे इसके VRC के लिए दे दो, 1.5 आवर 2 आवर्स क्वांट के लिए दे दो, 2 आवर्स DILR के लिए दे दो, आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, 99% आराम से ले आ सकते हो आप। तो अभी VARC को लेकर एक सवाल है बच्चे का कि मतलब उसका जो है क्वांट्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो कर लेता है, बट VRC के अंदर उसके इतने अच्छे नहीं आ पाते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उसको नॉवल पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या उनको सिर्फ आर्टिकल रीडिंग करनी चाहिए न्यूज़पेपर की, या क्योंकि उसको डाउट मेन ये है कि वो आर्टिकल रीडिंग नहीं कर पाता, उसको नॉवल में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ लेता है, तो क्या नॉवल एक बेनिफिशियल चीज होगा उसके प्रिपरेशन के लिए, या फिर उसे सिर्फ आर्टिकल रीडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, एवरीथिंग वर्क्स। अगर देखो, अगर तुम 2 सेक्शंस में काफी स्ट्रांग हो तो एक तुम्हारा जरूरी नहीं है कि 3 सेक्शंस अच्छे हो, और अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी तो डेफिनेटली तुम नॉवल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से स्टार्ट करो, छोटे छोटे नॉवेल्स पढ़ो, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो थ्रिलर हो या फिक्शनल हो, जो भी चीजें हैं तुम पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा एक बेस तैयार हो, ठीक है, क्योंकि कैट में एज सच इजी नहीं आते हैं, VARC में बहुत लोगों की मतलब परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, ठीक है, तो तुम बेसिक से स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करो, आर्टिकल्स छोटे छोटे, अभी आर्टिकल्स मत पढ़ो, अगर तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो अभी तुम न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक उठा लो जो तुम्हें, जैसे पॉलिटिक्स के टॉपिक अच्छे लग रहे, स्पोर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो उन सब चीजों को पढ़ो, उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो तुमको टेम्प्ट करे, जो चीजें अट्रैक्ट कर रही है करे, और उसके बाद फिर तुम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करो, 10 दिन तुमने ऐसे ही न्यूज पढ़ लिया, 10 दिन के बाद आर्टिकल पे शिफ्ट हो जाओ, खुद को करो कि आर्टिकल, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना शुरू करो, फिर 10 दिन ये कर लिया, फिर 10 दिन बाद तुम कुछ और करो, इस तरीके से अपने आप को करो, ऐसे एकदम से मत करना, वरना बोर हो जाओगी, इन सब चीजों में बोर जल्दी हो जाते हैं लोग। तो मेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये था कि अभी आप IIM में हो, ठीक है, एंड कई अभी ड्रॉप ईयर के बच्चे हैं कि वो इस बार देने वाले हैं, लास्ट ईयर पर ट्राई किया था बट इस बार वो वापस देंगे बिकॉज अपना एक जो कॉलेज होता है जो उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाया, ठीक है, तो अभी उनके लिए क्या है कि अगर इस बार उनका हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो तो खुश होंगे इस चीज़ को लेकर के, बट अगर कि बाई चांस किसी बच्चे का नहीं हो पाता, उनका ड्रीम कॉलेज उनको नहीं मिल पाता, तो क्या उनको थर्ड अटेम्प्ट की तरह जाना चाहिए, क्या उनको IIM ही टारगेट करना चाहिए, या उसके अलावा भी कोई बेस्ट कॉलेज हो सकता है उनके लिए, या फिर कोई और एग्जाम भी वो फोकस कर सकते हैं? गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको गैप ईयर का है, तो वन ईयर गैप ईयर जो होता है, ठीक है, दैट्स ओके, चलेगा, बट अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कोई और भी एग्जाम दो, कैट के बदले जैट दे दो, NMIMS का पेपर दे दो, या फिर स्नैप दे दो, आपके लिए बेस्ट होएगा, उसमें भी टॉप के लेवल के कॉलेज है, CMAT में भी टॉप के JBIMS है, तो ये सारे कॉलेजेस हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। दूसरी चीज कि अगर आपको IIMS में ही आना है तो आप गैप ईयर को फुलफिल करने के लिए आप वर्क एट सेट करो,
क्योंकि एक साल के बाद थोड़ी दिक्कतें आती हैं टू बी ऑनेस्ट. तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो इन सब चीजों को लेके. आप इंटर्नशिप कर लो, अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स ले लो, बिजनेस एनालिटिक्स का है या फिर फाइनेंस का है, जिनको मार्केटिंग में जाना है मार्केटिंग का कर लो, जिनको ऑपरेशंस में जाना है ऑपरेशंस का कर लो. तो ये सारी चीजें से अपने सीवी अचीवमेंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा सीवी में डाल सकते हो करो. कॉम्पिटिशन, जितने कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो करो. ये सारी चीजें बेनिफिशियल होंगी आफ्टर कमिंग टू आईएम्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये था कि आप तो एज अ फ्रेशर गए हो, ठीक है, आईएम के अंदर, तो क्या फ्रेशर को प्रॉब्लम आती है आईएम में जाने के बाद? Yes. या फिर रहता है कि मतलब ठीक है कि जॉब करने के बाद ही जाना चाहिए या तो एज अ फ्रेशर जाना चाहिए, तो क्या ऑप्शन बेटर रहता है एक स्टूडेंट के लिए? दिस इज अ ट्रिकी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इट्स ओके. फ्रेशर के लिए एज सच आई मीन आई एम रोहतक, तो आई एम रोहतक में फ्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. तो बट लेकिन अगर देखा जाए जिनके पास वर्क एक्स है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है. जो कंपनीज आती हैं तो उनका क्राइटेरिया ये भी होती है कि हम वर्क एक्स वाले को लेंगे. कुछ कंपनीज ऐसी आती है जिन्हों फ्रेशर्स को हायर करते हैं. बट इतना भी डिफिकल्टी नहीं है. अगर आपके पास वन ईयर ऑफ गैप है तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, यू विल बी हायर्ड, ठीक है. तो आप अपने गैप को फिल करने के लिए, मैंने जैसे बताया, अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो या फिर कॉम्पिटिशन वगैरह डाल सकते हो. तो यू आर फ्री टू कम इन आईएम्स इफ यू हैव गैप और यू आर अ फ्रेशर. इट डजंट मैटर कि आपके पास वर्क एक्स ही होनी चाहिए. आपका मैटर करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाते हो. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप थिंक किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए. दैट इज व्हाट मैटर्स हियर. इवन इन द क्लासरूम आप क्लास पार्टिसिपेट करना जानते हो या नहीं जानते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है. सो मेनली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंट है आईएम के करिकुलम के अंदर, कि आज वो जितने भी आईएम से वो टॉप कॉलेजेस में आते हैं इंडिया के, ठीक है, तो क्या डिफरेंट होता है स्टडी मटेरियल के अंदर, कैसे वो पढ़ाते हैं, क्या तरीका रहता है जो आपको बाकी कॉलेज से डिफरेंट लगा? अभी तक आपने अंडरग्रेड में पढ़ा था, ठीक है, तो क्या डिफरेंट था ऐसा जो आपको अलग लगा? बिल्कुल सी, सारे आईएम्स में वन थिंग इज कॉमन कि केस बेस्ड स्टडी होती है. यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बुक दिया गया और आप सीधा, जैसे कि मार्केटिंग के मैट्रिक्स हैं तो आप बस उसे रट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको हमारे पेपर भी जो होते हैं, एग्जाम भी होते हैं, वो केस बेस्ड ही होते हैं. तो आपको केस दिए जाएंगे, सिचुएशंस हैं, आपको सिचुएशंस एनालाइज करने हैं, फिर आपको अपना डिसीजन देना होता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं. उस हिसाब से हमारी पढ़ाई होती है, हमारे सारे मैट्रिक्स उसी में फुलफिल होते हैं, चाहे वो ऑपरेशंस के हो या फिर मार्केटिंग के हो या फाइनेंस के हो, हम उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये चीजें बहुत ही मेजर डिफरेंस है एक एक्चुअल लीडर जो आईएम्स के होते हैं उसमें और कॉलेजेस के. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सोचने में स्टार्टिंग में भी, कि एमबीए किस को करना चाहिए, किस चीज के अंदर, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया या फाइनेंस हो गया, तो किसके अंदर अभी के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको एंड वहां पे आके वो सस्टेन कर पाएंगे? कौन सा ऐसा फील्ड है इन तीनों में से जहां पे वो कर सकते हैं आगे? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. ऐसा कुछ नहीं है कि आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, आप सिर्फ मार्केटिंग ले रहे हो या सेल्स ले रहे हो या फाइनेंस, सब मार्केट में हर एक के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. आप किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर पाते हो, आपकी आपका इंटरेस्ट किस में है, ये मैटर करता है. आप किस में जाना चाहते हो, आपके लिए मार्केटिंग भी उतना ही अच्छा होता है, फाइनेंस भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, ऑपरेशंस में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस एनालिटिक्स के रोल्स हायर होते हैं, सब में अपॉर्चुनिटी है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक अभी कोई बच्चा आईएम में जा चुका है, ठीक है, तो क्या उनको प्रॉपर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है? जैसे नंबर हमारे सामने आते हैं कि एक बच्चे को इतने का पैकेज मिला, दूसरे को इतना का पैकेज मिला, तो क्या उसमें रियलिटी होती है एंड उसके लिए कितनी तैयारी करवाई जाती है वहाँ पे? एक रिग्रेस क्या कोई तैयारी होती है जो उनको करवाई जाती है ताकि इतने बड़े बड़े नंबर्स के प्लेसमेंट आ सके? प्लेसमेंट इज आईएम्स के जो होते हैं वही होते हैं, जो उसमें लिखा होता है वही होता है, कोई ऐसा इन्फ्लेशन नहीं होता इनके लिए. हाँ, हमारी जितने भी कंपनीज आती हैं उससे पहले हमारे को प्रिपरेशन कराई जाती है सारी, कि हम अवेयर रहें हर चीज से, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ हमारे को इस कंपनी में जाना है या फिर जो भी कंपनीज आ रही हैं, तो यहाँ पे कराई जाती है. ओके, एंड करने से पहले लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे कमिंग एस्पिरेंट्स को जो कैट देना चाह रहे हैं इस बार एंड अभी जिनका पेपर है उनके लिए, क्या रहेगा वो एडवाइस जो उनको लास्ट डेज में ध्यान रखना होगा? गाइस, जो भी लास्ट अभी एंड मोमेंट पे हो पेपर के, प्लीज मेक श्योर कि तुम स्ट्रेस लेस रहो, अच्छे से सो, खाओ पियो,
हेल्थ को जितने सही से सही रख सकते हो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस एट दैट मोमेंट आपको स्ट्रेस इतना ज्यादा होने लगता है कि आप जो क्वेश्चंस आता है उसे भी भूल जाते हो। तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखो, अगर अभी थोड़े, क्योंकि आपके अगर पहले बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगर अभी थोड़ा सा भी डाउनफॉल हो रहा है, इट्स ओके, वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो अपने माइंड को काम रखो, रिलैक्स रखो, आप घूमो फिरो, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो सब करो, और हाँ साथ साथ रिविजन करते रहो। अगर एग्जाम के 10 दिन पहले मेक श्योर कि मॉक मत देना, ठीक है, अभी जितना दे दिया दे दिया। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, फ्यूचर में हम उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।